हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट के लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस सेटिंग में हम देखेंगे अगले 36 घंटे आपके पार्टनर आपके बारे में क्या कुछ सोचेंगे, क्या कुछ फील करेंगे और आपके इस रिश्ते में क्या कुछ चेंजेस आ सकते हैं, ठीक है। एकदम हैप्पी रहे, पॉजिटिव रहे, तब ध्यान ना दे, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता है और कलेक्टिव की एनर्जीज होती है, तो हर एक बात आपके साथ रेजोनेट नहीं कर सकती। जो रेजोनेट होता है उसे रखे, जो नहीं होता उसे इग्नोर कर दीजिए। अगर आप बहुत सालों से महीनों से इंतजार कर रहे हैं आपके पार्टनर के एक्शन का और एक्शन नहीं आ रहा है तो डेफिनेटली इस वक्त आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी कॉल कैसे बुक करनी है, ठीक है। तो आपके पार्टनर की अगले 36 घंटों की फीलिंग्स है या आपसे बात क्या करना चाहेंगे अगले 36 घंटों में। अगर इनकी तरफ से आपको कुछ कॉल मैसेज आता है तो ये क्या बात करना चाहेंगे आपसे। क्या अगले 36 घंटों में इनकी तरफ से आपको एक्शन आएगा सच में, या कुछ बात करेंगे, खुद होके बात करेंगे, टेक्स्ट कॉल मैसेज, कुछ मूवमेंट इनकी तरफ से होगा अगले 36 घंटों में। बॉटम है यहाँ पे कंडीशंस, इन कार्ड्स को हम क्लैरिफाई कर लेते हैं यहाँ पे ऐसे अच्छे से। गाइड करें यूनिवर्स, यहाँ पे कंसाइसनेस क्यों है, यहाँ पे कंसाइसनेस क्यों है। सिक्स ऑफ पेंटेकल्स, साइलेंस, एक्सपीरियंसिंग ट्रांसफॉर्मेशन, कॉम्प्रोमाइज। वाह, हर एक कार्ड को पॉजिटिव कार्ड ने क्लैरिफाई किया है। बॉटम में है पेज ऑफ सोर्ड्स, आपके पार्टनर स्ट्रॉन्गली टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न वृषभ कन्या मकर राशि एरिस लियो सैजिटेरियस में सिंह धनु राशि और कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस कर्क वृश्चिक मीन राशि जैमिनी लिब्रा एक्वेरियस मिथुन तुला कुंभ राशि के हो सकते हैं। नंबर यहाँ पे 1114 4 7 1 3 17 18 6 15 आपके पार्टनर के बर्थडेट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो यस, अगले 36 घंटों की फीलिंग्स एक्सपीरियंसिंग का कार्ड है यहाँ पे, वो बहुत ज़्यादा जलने वाले हैं अगले 36 घंटे। चांसेस स्ट्रांग है आपको ऐसे कहीं पे देखेंगे, कहीं पे घूमते हुए एंजॉयमेंट करते हुए, या तो आप ऐसे कुछ स्टेटस अपलोड करोगे व्हाट्सएप पे हो सकता है या फिर आपके सोशल मीडियाज़ पे आप ऐसा कुछ डालने वाले हो जिससे कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा जलने वाले हैं। जलेंगे ऐसे शायद आपको किसी और के साथ खुश देखेंगे, ये देखेंगे कि आज आप इनको बिल्कुल भी मिस नहीं कर रहे और किसी और के साथ एंजॉयमेंट चल रही है, पार्टीज़, सेलिब्रेशंस, घूमना फिरना, पिकनिक, ये सब कुछ आपका चल रहा है। और ये बातें देख देख के ये जलेंगे, या तो ये हो सकता है कि आपको डायरेक्टली सामने से देखें, या तो ये भी हो सकता है कि अगर आप दोनों पास पास रहते हो तो वहाँ पे इनको ये सुनाई दे, इनके कान में ऐसा कुछ आए आपके दोस्तों के ज़रिए, कुछ ऐसे न्यूज़ इनकी तरफ जाए जिसकी वजह से अगले 36 घंटे आपके लिए बहुत ज़्यादा जलन महसूस करने वाले हैं। ये आपसे बात करना चाहते हैं इस टॉपिक को लेकर कि तू ऐसा नहीं कर सकती, भले इनसे गलती हुई थी, इन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट दिया था, इन्होंने आपके सामने कुछ ऐसी कंडीशन रखी थी जो कंडीशन आपने मानना नहीं चाहा और जिसकी वजह से आपका झगड़ा भी हुआ, लेकिन आपको ये अब इस वक्त ये बताना चाहते हैं कि तू प्लीज़ इस तरह से बिहेवियर मत कर, ऐसे बिहेवियर से मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है और जो कि मुझे और ज़्यादा गुस्सा आता है, मुझे इस तरह से फील होता है कि शायद मतलब अगर मेरा प्यार सच्चा नहीं था तो फिर तेरा भी नहीं था, तू जो इतने दावे करती थी कि मैं सच्चा प्यार करती हूँ तो फिर तू ऐसे कैसे कर सकती है। लेकिन इनको ये बात समझ में नहीं आती है कि भले प्यार आपका हो या इनका, जहाँ पे एक दूसरे की वैल्यू ही नहीं की जाए वहाँ पे प्यार प्यार का मतलब ही नहीं रहता है, और आपके पार्टनर ऐसे ही है। अगले 36 घंटे भी इनको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो जो भी सोच रहे हैं वो आपको हमेशा थर्ड पार्टी के साथ ही तोलते हैं, उन्हीं के साथ ही देखते हैं, उन्हीं के साथ ही बैलेंस करना चाहते हैं, लेकिन उनके अपोजिट जाकर आपके लिए एक कदम आगे नहीं बढ़ाते। आपको इस एनर्जी से परेशानी बढ़ चुकी है, आपको इस एनर्जी से आप थक चुके हो इनकी इस एनर्जी से। टेम्परेंस, बैलेंस करना है, बात करनी है, आना है, बात करनी है, ये सब कुछ आप मतलब कि इनकी तरफ से भी अगर आपको कुछ कॉल मैसेज आता है, अगर आप ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में हो 8-10 दिन में, जैसे कि आपसे कुछ कॉल मैसेज पे रिप्लाई किए जाते हैं तो ये रिप्लाई में भी आपको यही बताते हैं कि हाँ रुक, मैं सब ठीक कर दूंगा, थोड़ी टाइम रुक,
और ज़रा सा मैं समझा रहा हूँ, मैं घर वालों को मना रहा हूँ, अगर आप इनसे शादी करना चाहते हो तो आपको ऐसा कुछ बताते हैं। और अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हों तो फिर भी जैसे कि चांसेस स्ट्रांग है इनके जो भी घर वाले, मतलब जो भी इनकी वाइफ या हस्बैंड है, वहाँ पे कुछ डिस्टर्बेंस चल रहे हैं जो कि इनके ऊपर बहुत ज़्यादा डाउट्स लिए जा रहे हैं, झगड़े चल रहे हैं, इसी वजह से अगले 36 घंटों में साइलेंस बैठना ज़्यादा मतलब कि इनके लिए अच्छा रहेगा ऐसा इनको लगता है, क्योंकि ये कभी भी अपने घर को डिस्टर्ब नहीं करना चाहेंगे, अपनी फैमिली को डिस्टर्ब नहीं करना चाहेंगे, और जो कि आपके पास आने के बारे में ओवर थिंकिंग करेंगे, प्लानिंग करेंगे, जाना है, बात करना है, सब अच्छा करना है, जो कि मिरेकल का इंतज़ार करेंगे कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा, भगवान सब अच्छा कर देगा, जो कि इन्होंने आपको मैनिफेस्ट बहुत किया है। 24/7 डे ड्रीमिंग, 24/7 आपके बारे में सोचना, आपको बैक ऑफ द माइंड चलाना, और जो कि ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, जब जब ये ऐसा फील करते हैं कि इन्होंने आपके साथ क्या किया था पास में, वो बातें जब इनके माइंड में घूमती है तो इनको लगता है कि शायद किसी जन्म का कुछ बुरा कर्मा था जो मैंने इस जन्म में फेस करना मेरा बाकी था, इसी वजह से जो कि ये सब कुछ इनके साथ भी हुआ, आपके साथ भी हुआ, और जो कि इस रोमांटिक थर्ड पार्टी के साथ भी हुआ। इस रोमांटिक थर्ड पार्टी की तो कुछ भी गलती नहीं थी, उसको तो ये भी पता नहीं था जब इन्होंने इनसे शादी करी, उनको क्या पता था कि आपके पार्टनर पहले से किसी और के साथ कॉन्टैक्ट में है। चांसेस ये भी है कि इस रोमांटिक थर्ड पार्टी की लाइफ में भी कोई हो सकता है शादी से पहले, लेकिन फिर भी इन्होंने जैसे कि की शादी, मतलब घर वालों ने इनको मनाया आपके पार्टनर के साथ शादी करने के लिए, और आपके पार्टनर के घर वालों ने उनका माइंड डाइवर्ट कर दिया इनसे शादी करने के लिए। शादी निभाने की कोशिश तो चल रही है, लेकिन देख सकते हो ये पर्सन जीते जी जल रहा है, तो यही यहाँ पर जहाँ पर भी है इस रोमांटिक थर्ड पार्टी के साथ, वो बस जलते हैं, तड़पते हैं, नेगेटिविटी को फेस करते हैं, और दिल से चाहेंगे अगले 36 घंटों में आपके लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना। कॉम्प्रोमाइज़ करने के अलावा इनके पास और कोई रास्ता नहीं है, इनको अच्छे से पता है। जब तक कि आपकी बात नहीं मानेंगे, आप तो झगड़े करने की एनर्जीज में ही हो, यहाँ पे पेज ऑफ सोर्स की एनर्जीज आपकी है, कंडीशनिंग की एनर्जीज आपकी है, कंडीशन मेरी जो मैं बोल रही वैसा नहीं, फिर कोई ज़रूरत नहीं, तू मत आ। आपको इस तरह से आप ऐसा ही इनको बताना चाहते हो, इसी वजह से ओवर थिंकिंग करेंगे आपके बारे में, कॉम्प्रोमाइज़ करने के बारे में प्लानिंग करेंगे, और ऐसा ही कुछ एक्शन आपके लिए लेने वाले हैं, क्योंकि ये सारे कार्ड्स पॉजिटिव है जो कि क्विक मूवमेंट को शो करते हैं। इनकी तरफ से आपको स्ट्रांगली चांसेस ये भी है कि अगले 36 घंटों में मैसेज आ जाए, ठीक है। साइलेंस मेंटेन करेंगे, कोशिश बहुत करेंगे चुप रहने की, लेकिन जब जब ये आपको देखेंगे किसी और के साथ खुश, तब तब इनका दिल करेगा बात करना है, बात करना है, और फाइनल जैसे कि 36 घंटे ख़त्म होते होते इनकी तरफ से आपको एक्शन आ जाएगा, इस तरह की एनर्जीज है। तो क्या अगले 36 घंटों में इनकी तरफ से सच में एक्शन आएगा? मोरालिटी का कार्ड है यहाँ पे। अगर ये दुनिया के बारे में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करेंगे तो चांसेस कम है, लेकिन अगर ये दुनिया के बारे में नहीं सोचेंगे, सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे, तो इनकी तरफ से आपको एक्शन आ जाएगा। नाइट ऑफ फैंड्स यहाँ पे क्विक एक्शन को शो करता है, ठीक है। तो ये अगले 36 घंटों में आपसे बात क्या करना चाहेंगे, वो आपको बताना चाहेंगे कि वो जहाँ पर भी है वहाँ पर बहुत ज़्यादा अटका हुआ महसूस करते हैं, वहाँ से उनको निकलना है, लेकिन निकलने के लिए रास्ते इनको दिखाई नहीं दे रहे हैं, किसी पिंजरे में कैद है, और जो कि पानी ऊपर से डाला गया है, मतलब कि जीते जी मरने वाली एनर्जीज है, और जो कि ऊपर जाना है, फ्रीडम चाहिए, लेकिन इनको फ्री नहीं किया जा रहा, इस तरह की एनर्जीज आपको ये बताना चाहते हैं। अगर आपको लगता है ये भूल गए और जो कि आपके पास आना ही नहीं चाहते, तो ये गलत है, ये वहाँ से निकलने की डेफिनेटली कोशिश कर रहे हैं, इन सलाखों को तोड़ने की डेफिनेटली कोशिश कर रहे हैं, और जो कि ये बहुत जल्दी आपके पास होने वाले हैं। पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड है यहाँ पे। पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड यही शो करता है कि इन्होंने आज भी आपके इस रिश्ते से होप्स खोए नहीं हैं, इनको इस बात की उम्मीद ज़रूर है कि आज नहीं तो कल आपको मना भी लेंगे, आपकी बात भी मान लेंगे, और आपका रिश्ता स्टार्ट भी हो जाएगा। पार्टिसिपेशन का कार्ड यही शो करता है। चांसेस स्ट्रांग है या किसी शादी फंक्शन में, कोई बर्थडे, किसी के एंगेजमेंट सेरेमनी हो सकती है जहाँ पे ये जाने वाले हैं, और शायद आप जाने वाले हो, दोनों में से कोई एक है जो जाने वाला है। और अगर आपके किसी म्यूचुअल फ्रेंड का शादी या कोई फंक्शन है, तो उस फंक्शन में आप दोनों एक दूसरे से डेफिनेटली मिलने वाले हो, इस तरह की एनर्जीज है। पार्टिसिपेशन यही शो करता है, अगले 36 घंटों में ये होने वाला है, ठीक है। तो यस, यही है रीडिंग। आपको करना क्या चाहिए हम देखते हैं। ट्रू मैसेज द यूनिवर्स। इस वक्त मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए, इस वक्त मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए, सेवन ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड है। आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव माइंडसेट में हो, आपको ऐसा लगता है कि शायद जो बताया जा रहा है, मतलब कि जब मैं ये सब कुछ बता रही थी तो आपके माइंड में ऐसा थॉट आया होगा
कि क्या ये सच में होगा, क्या सच में ये आएगा, क्या सच में ये मिलेगा। तो नेगेटिव अगर आप खुद सोचोगे तो आप देखो कैसे अच्छा हो सकता है। फिर फाइव ऑफ कप्स का कार्ड है, आपको बहुत रिग्रेट होता है आपने इस पर्सन को चूज किया है। आपके पास बहुत सारे लोग हैं जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके दोस्त, आपके फैमिली वाले, लेकिन आप जो कि इन्हीं के लिए पागलों जैसे फील करते रहते हो, जो कि गलत बात है। आपको वो देखना चाहिए जो आपके पास है, आपके पास आपकी फैमिली है जो आपसे बहुत प्यार करती है। अगर आप जो है उसको देखना ही नहीं चाहोगे तो फिर आपके जैसे कि जो है उसके आप वैल्यू नहीं करोगे तो फिर आप कैसे ये सोच सकते हो कि आपके पास और आएगा, राइट? आप जो प्यार है पहले उसकी वैल्यू करो, अपने प्यार से प्यार करो, उसके बाद जो कि आपकी ज़िंदगी में और प्यार एंटर करेगा, ठीक है? ये रिग्रेशन, ये नेगेटिविटी, ये सब कुछ आपको छोड़ देना है। इस वक्त आपकी नेगेटिविटी है जो इस रिश्ते को और ज़्यादा दूर कर रही है आपसे। अगर आप ये सब कुछ करने में सक्सेसफुल हो गए, आपको आपके पार्टनर का ये आपको आपके पार्टनर का कम्युनिकेशन रिसीव हो जाएगा, या फिर थ्री ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड जो भी कम्युनिकेशन को शो करता है, सिक्स ऑफ वैंड जो कि रीयूनियन को शो करता है, शादी को शो करता है, तो आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इस वक्त पॉजिटिव होने की ज़रूरत है, ठीक है? तो यस, यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई, वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी कॉल कैसे बुक करनी है, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।